गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए। और गाइस अभी हम केवड़िया रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छा बनाया है, देखने में अंदर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाहर से तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिख ही रहे हैं। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है घूमने में। तो आज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। तो गाइज आज हम लोग काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। तो अभी मॉर्निंग के लगभग बज रहे हैं 7:30 और हम अभी पहुंच चुके हैं। तो अभी तो हम बाहर ही रुके हुए हैं क्योंकि 8 बजे के बाद ही एंट्री है। तो तब तक हम बाहर घूमेंगे, यहाँ रेलवे स्टेशन के पास है, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे स्टैचू के लिए। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही है, तो हम लोग तब तक यहीं वेट करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे। जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन से ही स्टैचू के लिए डायरेक्टली बस निकलती है और वो बस आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी टिकट काउंटर के पास पहुंचाती है। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस में और अभी हम अंदर जाने वाले हैं। यहाँ दूर से तो इतना शानदार व्यू दिख रहा है, अभी पास में जाने के बाद देखते हैं कैसा व्यू आता है। पर यहाँ से एकदम शानदार दिख रहा है देखने। तो गाइस हमारा टिकट चेक हो गया और अभी हम पहुँच चुके हैं अंदर और हमको थैंक गॉड कि हमको सेल्फी स्टिक एक गिम्बल लाने दिया गया है और मैं गिम्बल लेकर आया हूँ जिससे वीडियो को थोड़ा अच्छे से शूट कर पाऊँ। गाइज आप तो ऑलरेडी ही जानते हैं इट्स अ टॉलेस्ट स्टैचू इन दी वर्ल्ड। दर्शनी बनाया यहाँ पे देखिए और गाना भी कंटिन्यू बजता ही रहता है। गाइज पहाड़ के ऊपर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा है वो भी देखने में काफी मस्त लग रहा है। आप चलिए ना, मैं आता हूँ इधर से, आप उधर चलिए, थक जाएंगे चलते चलते। गाइस हम जैसे जैसे स्टैचू के नज़दीक जाते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि स्टैचू ऊपर की तरफ जा रहा है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। गाइस मैं इस वीडियो शूट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। चलिए जितना पास जाते जा रहे हैं उतना बड़ा होते जा रहा है ऐसा लग रहा है। गाइज हमने मॉर्निंग का टाइम स्लॉट बुक करवाया था तो हम सबसे पहले व्यूइंग गैलरी देखते हैं उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। आइए ना गाइज, नीचे का भी व्यू इतना शानदार दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुल है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइज ऐसा सेम स्टैचू बनाया गया है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल डिजाइन यहाँ रखा गया है। कितने लोग हैं सर? दो लोग। वहाँ से आ जाए पीछे, पीछे एक लड़का खड़े हैं, ये टिकट पकड़, टिकट लेके वहाँ खुला है पीछे से, वहाँ से अंदर आना है। ओके गाइज अभी हम लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और गाइज आपको बता दूं ये लिफ्ट इतना फास्ट है, ये ओनली 30 सेकेंड्स के अंदर ये टॉप पे चला जाता है 153 मीटर पे। गाइज इस लिफ्ट में 26 लोग एक साथ आ सकते हैं। बस इतना ही, ऊपर नहीं है ना? थैंक यू। तो गाइज जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी आ गई। गाइज हम अभी पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के सबसे ऊपर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हार्ट के पास। और गाइज हम यहाँ से देखने वाले हैं आउटसाइड का व्यू कैसा होता है। यहाँ बस यहीं पे है।
वहाँ कितना नहीं वहाँ से हम गए ना, बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचा है। गाइज यहाँ पे स्टील का यूज कर किया गया है और साथ में ब्रॉन्ज का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो गाइज स्टैचू ऑफ यूनिटी को इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्थक्वेक भूकंप आता है तो इसको वो झेल सकता है। व्यूइंग गैलरी बस इतना दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा मतलब बहुत बड़ा दिखना चाहिए था वैसा नहीं है। ऊपर कुछ खास अट्रैक्शन पॉइंट नहीं, बस हाँ ऊंचाई है उसके हिसाब से लग रहा है ना। तो ऊपर खाली आकर के देखते हैं, चलिए इधर से घूम ले। हाँ वही ना। अच्छी का व्यू बड़ा अच्छा है। ये व्यूइंग गैलरी के दूसरे तरफ का व्यू है, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, काफी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से रोड दिख रहा है यहाँ पे नीचे। कहने का मतलब है कि आपको उनके हार्ट से चारों तरफ का व्यू दिखेगा व्यूइंग गैलरी से। और गाइस काफी अच्छा बनाया गया है। एक एज ए म्यूजियम टाइप की व्यूइंग गैलरी है, अदरवाइज तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। वापिस हम लिफ्ट में आए हैं नीचे की तरफ जाने के लिए। ये लाइब्रेरी है लग रहा है। नहीं लाइब्रेरी जैसा बनाया है नहीं लाइब्रेरी। तो गाइस अभी हम ऊपर से व्यूइंग गैलरी देखकर नीचे की तरफ आ गए हैं और यहाँ भी काफ़ी हम एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो इधर थोड़े प्रोजेक्टर पे कुछ बताते हैं साहब। अच्छा उनके बारे में स्टोरी बताई गई। तो गाइस यहाँ पे घूमने के लिए तो काफ़ी शानदार व्यू बनाया गया है और हम लोग तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। व्यू गैलरी में पापा शो देख रहे हैं। ट्राई किया गया है कि लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा रोक के रखा जा सके, है ना। तो एक चीज़ छूट रहा है तो दूसरा चीज़ देखने को मूड हो रहा है, दूसरा चीज़ छूट रहा है तो दूसरा चीज़ देखने का मूड हो रहा है। और ये ऊपर भी बड़ा अच्छा लगा दिया। सरदार पटेल बहुविध राज्य और बहुविध देश साथ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की कल्पना करी जेना द्वारा पानी की अछतवाड़ी नदी आसपास की 95% टका जमीन में सिंचाई पूरी पड़ी। गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपर्याप्त वीजी वाला विस्तारों में प्रकाश फैलाव नर्मदा लाभ हो लंबा समय सुधी सेवी स्वप्न सरदार सरोवर डेम विश्व बीजो सौथी मोटो कॉन्क्रीट ग्रेविटी डेम है। भारत में बीजो सौथी ऊंचो ऊंचाई पाया में सौथी ऊंडा स्तर की 163 मीटर जो पायो एक ऊंचाई भी बनी।
इस थिएटर के अंदर नर्मदा डैम के बारे में बताया गया है कि वो कैसे बनाया गया था, उसके कंस्ट्रक्शन कैसे हुए थे, ये सारी चीज़ें इन पर बताया गया है। अभी हम लोग व्यूइंग गैलरी के ग्राउंड फ्लोर पे हैं और अभी हम ऊपर से जाके आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर बाहर की तरफ से मुझे जाना पड़ेगा, तो अभी हम लोग पैर के पास, उनके पैर के पास जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा व्यू रहता है। वो अंदर ही अच्छा लग रहा था, अंदर ही अच्छा लग रहा था। बहुत गर्मी है बाहर तो। तो गाइस अभी हम एलिवेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। मेरे को तो लगता है पैर के आइए ना खुद खींचते हैं फोटो। चलिए मेरे को पैर दिख रहा है फिर कुछ नहीं खाली जूता दिख रहा है। ये चप्पल का ऊंचाई है 185 मीटर ना, 182 मीटर है। 182 तो यहाँ से गिना जाएगा ना। 182 मीटर यहाँ से। एकता का क्रूज है क्या बोलते इसको? नहीं नहीं वो क्या है, वो क्रूज ही लिखा है एकता क्रूज। तो बारिश चले देखना तो रात में रोशनी के लिए है। हाँ ये प्रोजेक्टर चलता है इसमें, मतलब बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा। अभी लेट हो जाएगा हम लोगों को, नहीं तो हम लोग रुकते हैं। जैसे मंदिर का दिखता था उसी। हाँ लेकिन इसमें वीडियो चलता है, बताता है पूरा उनके जीवनी के। पानी है ना बाबू, पानी है ना, नीचे से नहीं दिखाई पड़ रहा था। हाँ नीचे से दिखाई पड़ रहा था, नीचे से उस साइड में आए थे तो पानी है। हाँ उस साइड से नहीं दिख रहा है, और दूर है इसके लिए, लेकिन यहाँ से एकदम मस्त लग रहा है देखने में। पूरा दिन भर भी आकर रुक जाए ना तो ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ टाइम नहीं पास हो रहा है, ऐसा नहीं लगेगा इधर। गाइज अभी भी बाहर के साइड में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बाहर में तो अच्छा लग रहा है, तो लग रहा है कुछ पार्क वगैरह बना रहा है कुछ। तो गाइज अभी हमने घूम लिया है और अभी हम रिटर्न जा रहे हैं और काफी थक से गए हैं, क्योंकि अगर आप पूरे दिन भी लेकर आते हैं तो भी कम ही पड़ता है इतना ज्यादा घूमने के लिए यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे फूड कोर्ट बनाया गया है और आप यहाँ पे बैठ के आराम से खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।